उन्होंने मार्क की किस पे? एसपी साहब पे। एसपी साहब को मार्क होगी फिर? उन्होंने दे दी जसविंदर कौर को। जसविंदर कौर का तो राइट ही नहीं है क्योंकि रोड़ा यहाँ का है। वो किराए पे रहता था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे दे, वहाँ पे झगड़ा होगा कोई? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ झगड़ा, यहाँ देवन दरखास्त, वही से राजीनामा करके गया। तो यहाँ झगड़ा, यहाँ झगड़ा, यहाँ देवन दरखास्त। वो कह रहे थे आपने जहाँ मार्क करवाया फोटो, आप पर आए तो ये देखो। तो क्या तारीख की बात है? ये इस घर में मैं कल भी थी, कल की फोटो है। ये मेरे ससुर अंदर है, फोटो है उनकी। इस घर की ये भी मेरी फोटो है, मैं इसी घर में रहती हूँ। ये इसी घर की फोटो है, मैं कल भी यही थी। ये तो तेरा सेक्टर में, मैं कल भी यही थी, मैं परसों भी यही थी। घर मेरे नाम करो, मैं कैसे करूँ घर मेरे? और भी तो बच्चे हैं सारे। इसका कब लिख के दिया मैंने घर मेरे नाम का? जसविंदर मैडम ने बोला पैसे देने तजारे तो उसका भी अधिकार है। कहाँ से दूँ मैं लाखों लाखों रुपए रोज? मेरे से ले रहा है, एंट्रियां हैं, एंट्रियां मेरी, मेरे पास भी हैं। दिखा। हाँ कोई नहीं, दिखाओ जब मांगेंगे। नहीं पैसे दिए ना सर, मेरा ही हाल करके मैं बुरा। सुनो चुप हो जाओ, बंद करो इसको, चलो बंद करो। चुप हो जाओ, अब मत करो। तो मैंने तो लगाया, मेरा ही तो ताला है, चाबी मेरे पास ही तो है। फिर आपने क्यों लगा दिया ताला? तो सर बाहर जाऊंगी खाली, छोड़ दूंगा। ये भी कराओगी? ये नहीं है, बटन दे दे। सर आप बात ही नहीं समझ रहे हो, वो 5 दिन से फरार है। आराम से बात करो, जब ये नहीं होगी फरार कौन करा है? फरार तो कर रखे तुमने। फोटो मिला लो। फोटो मेरे पास है, फोटो मिला ली। घर खाली छोड़ दूँ? समझ पड़ा अंदर, घर खाली छोड़ दूँ? आप कब से आए यहाँ? मैं पहले सर शादी के बाद 4 महीने रही, मेरे जब ससुर एक्सपायर हुए उस टाइम की फोटो है, उनकी मरने की फोटो है उनके पास। यहाँ गंगा जल मेरे 3 साल के बच्चे ने पिलाया, सब कुछ रिकॉर्ड है। कर करके 13 दिन करके हम यहाँ से चले गए। उसके बाद उससे पहले 4 महीने रह के गए, जब हमारा इसके बेटे के ऊपर 376 का मुकदमा था, उसमें सिविल लाइन थाने में ये माफीनामा लिख के आया, जबकि वो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, कोर्ट में पेंडिंग है। 376 पेंडिंग है, चल रहा है सिविल लाइन थाने में। उसमें इन्होंने माफी मांगी, वो माफीनामा मेरे पास है। वहाँ पे सुनीता मैडम थी, उन्होंने बोला आप, इसने एफिडेविट दे दिया भी मैंने धोखे से शादी करी, अपनी जात बिरादरी छुपाई, पहली शादी छुपाई, सारे बयान है, दस्तखत है, वो कोर्ट में जमा हो गया। लेकिन जज साहब ने मेरे बयान पेंडिंग रखे हुए हैं कि हमें कंप्लेनेंट के लाइव बयान चाहिए। 4-4 लगी थी, मैं 4-4 को नहीं गई। अब उसमें फिर अगली तारीख अगले महीने की लगनी है, मैं जाऊंगी। वो भी नहीं ओपन होने इनका, क्योंकि मैंने वहां बयान नहीं देने हैं। इसके अरुण के बयान से 376 कंपाउंडेबल नहीं है कि बंद हो जाएगा, ठीक है? उससे इसी का यहां का क्या लेना देना मुकदमे में? मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ कब रहे थे? तब जब मैं राजीनामा करके आया था तब 4 महीने रहा यहाँ, ठीक है? वहाँ तब रही, उसके बाद ससुर की डेथ पे रही 15-20 दिन। अब मैं रह रही हूँ 24 तारीख से। ये आई जब मैं घर में, मेरी सास ने अपने कमरे को ताला मारा, तो जो मेरा कमरा जहाँ मेरा बेटा, मैंने उसको ताला मार दिया। तो आप बाहर का ताला क्यों लगाओ? तो जब घर में कोई नहीं है, 4 दिन से फरार है। सरपंच को बोला, विजय को, इनको पेश करो। सरपंच कहता फोन नहीं उठा रहे। खतरा है जिनको, खतरा है जिनको, खतरा है जनाब इन्होंने थे। सर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है टोटल, ये सब टोटल और लिखा क्या गया बाबा कितनी है? मैं जो मर्जी बोलूं भाई वो भी लिखा नहीं छुपाई और मैं भी जाओगे एविडेंस के टाइम पे तो खत्म कर दूंगा। एक और सुनो, एक बताओ, जो पहली शादी करी है वो बीबी कहाँ है?
मुझे डिवोर्स दे दिया उन्होंने, 5 लाख रुपए दिए। डिवोर्स हो गया फिर तो चल वैलिड हो। तीन बुए गई हैं सर, वो अभी हुआ है अभी 6 महीने पहले। तीन बुए यहाँ से गई हुई है, इसको तो बता लो सर। इसके 2 बेटे हैं, पहली के 2 तलाक, चौथी है छोटा जो नीचे वाला है उसके साथ। हम इतने बसे ये क्या करो, जब बसते नहीं। चौथी बहू भी लग गई सर जी, इसी ने बताई उसकी बहू तो पहले से ही बता दी है, इसके सामने फैसला होया फिर दो दो क्यों लगे। वो बात बताई इसी ने बताई, चार चार बुए चौथी हुए चौथी पहले से ही उसके साथ। वो मेरा थोड़ा दिमाग कैसे है बच्चा जी, ये सारे लोग ये है दिमाग, ये थोड़ा दिमाग की तो बताओ बताओ।